अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेरे सदारत लाहौर पुलिस के अफसरान का इजलास। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरा ने लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, कम्युनिटी पॉलिसिंग बारे ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की फैसल चौक चैरिंग क्रॉस पर ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात। पुलिस जवानों से ड्यूटी के मुतालिक पूछा और जवानों के मसाइल भी दरियाफ्त किए। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा। खवातीन अपने मसाइल के हल के लिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से रहनुमाई लेने में मसरूफ। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी अपनों को अपनों से मिलवाने में मसरूफ। गुमशुदा 8 साल जैनब को वालिदैन से मिलवा दिया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी अब तक 5,000 से ज्यादा गुमशुदा अफराद को अपनों से मिलवा चुकी है। पंजाब भर से गुजश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 72,389 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,628 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 52,468 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 100 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 585 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर नेवर अगेन मुहिम के तहत बरवक्त कार्रवाई। राजनपुर पुलिस ने 8 साल बच्ची को विनी की भीड़ चढ़ने से बचा लिया। शाबाश रहीम यार खान पुलिस, शाबाश। कच्चा माचका ऑपरेशंस में आम पेशरफ्त, मजीद एक और डाकू हलाक, तादाद 4 हो गई। खतरनाक डाकू फरूक शर भी अंजाम को पहुंच गया। थाना सदर खारियां गुजरात में ख्वाजा सराओं के एहतजाज का मामला, मुकदमा में नामजद 9 ख्वाजा सरा गिरफ्तार। 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत लाहौर पुलिस के अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरा ने लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, कम्युनिटी पॉलिसिंग बारे ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब ने लॉ एंड ऑर्डर के क्याम, क्राइम कंट्रोल के लिए लाहौर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर आईजी पंजाब ने हदायत दी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक खवातीन बच्चों से मुतल्लिका जराइम के वाकयात में जीरो टॉलरेंस अपनाएं। मनशियात के तदारुक के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन में तेजी लाएं। डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए टारगेटेड पेट्रोलिंग करें। खिदमत और तहफ्फुज़ मराकज, मिसाक सेंटर्स पर शहरियों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएं। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा देखने में आ रहा है। खवातीन अपने मसाइल के हल के लिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से रहनुमाई लेने में मसरूफ हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन खवातीन के तहफ्फुज के लिए दिन रात कोशां। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में 3200 से ज्यादा केसेस में खवातीन को मदद फराहम की जा चुकी है। 330 केसेस में FIR दर्ज हो चुकी है और 750 से ज्यादा केसेस में पुलिस इंक्वायरी जारी है, जिसमें वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मुसलसल फॉलोअप ले रहा है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पंजाब भर में हरेसमेंट, घरेलू तशद्दुद, जबरदस्ती शादी और तेजाबगर्दी समेत खवातीन से मुतलका जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ 24 घंटे मसरूफ अमल है। खवातीन का तहफ्फुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 95, पंजाब यूनिवर्सिटी 104 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 90 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज़ आग ना लगाएं। ये स्मोग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोग खिलाने वालों की इत्तला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर नेवर अगेन मुहिम के तहत बरवक्त कार्रवाई। राजनपुर पुलिस ने 8 साल बच्ची को विनी की भीड़ चढ़ने से बचा लिया। राजनपुर पुलिस को 8 साल बच्ची कौसर बीबी को विनी करने की इत्तला मौसूल हुई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्ची को रिकवर करवाया। तिबी मुआयने के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया गया। राजनपुर पुलिस ने 14 नामजद मुलजिमान के खिलाफ पुलिस स्टेशन दाजल में मुकदमा दर्ज करके फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई। वाकये में मुलविस सरपंच समेत 3 मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया।
पंजाब पुलिस रहीम यार खान की कच्चा माचिका में शर गैंग के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब पुलिस ने गुज़श्ता रोज 3 खतरनाक डाकुओं आलम शर, नजीर शर और हाकिम शर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। 7 डाकू जख्मी हुए। डीपीओ रहीम यार खान का कहना है कि पंजाब पुलिस ने शर गैंग के ठिकानों को भारी असलहा से निशाना बनाया। पुलिस ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों, भारी असलहा और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रही है। कच्चा माचिका में शर गैंग के ठिकानों को ड्रोन फुटेज में नजर आतिश होता देखा जा सकता है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।